शरीर में कोई गलती हुई है तो मैं आप सबको गुआफ ना कर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, आपके घर में भी सब ठीक ठाक होंगे। तो सबसे पहले खुश आमदीद आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज मैं बड़े दिन के बाद व्लॉग शूट कर रहा हूँ और मेरी लेट होने की वजह थी, थोड़ी इधर से प्रॉब्लम चल रही थी, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, दिल से सॉरी। तो आज दोस्तों मुझे मौका मिला है यूट्यूब के व्लॉग शूट करने का, क्योंकि आज हम कहीं काम में जा रहे थे, प्रोग्राम में जा रहे थे। एक जगह नाम भी मैंने बहुत बार सुना है, नाम है जगह का भिंडी चमोला, लेकिन उस जगह मैं भी आज से पहले नहीं गया। तो आज हम भी जा रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा व्लॉग भी बना लूं और आपको भी उस एरिए का रिव्यू करवा दूं। तो दोस्तों अब चलते हैं हम भिंडी जमोला की तरफ। तो अभी हम रजौरी मैन सिटी के अंदर है, हॉस्पिटल जोरा के पास है। तो इससे आगे मैं आपको रजौरी सिटी का भी व्यू करवाता हूँ, उसके बाद भिंडी जो गाँव है छोटा सा उसका भी व्यू करवाता हूँ। तो आप देख सकते होंगे ये आज मेरे साथ सारे मेरे मदरसे के तलबा जा रहे हैं, क्योंकि हम सब मदरसे के तलबा को इन्वाइट किया गया प्रोग्राम में। और जामिया अनफिया निज़ामिया जो कि रजौरी के सबसे मीन्स रजौरी का ही नहीं बल्कि सोबा जम्मू का सबसे बड़ा मदरसा है, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन मदरसा है, इसमें बेहतरीन उस्ताद भी हैं हमारे। और उसी वजह से हमारी उस्तादों की काबिलियत की वजह से आज हमें लोग हर जगह प्रोग्राम में इनवाइट करते हैं। तो आप देख ही सकते हैं ये सारे तलबा हमारे मदरसे के मेरे साथ आज जो कि हम सब मिलकर जा रहे हैं प्रोग्राम में। तो बने रहे मेरे व्लॉग के आखिर तक। तो अब देखते हैं आगे प्रोग्राम भी और जगह का नजर। तो दोस्तों अब देखो हम पहुंच चुके हैं कुछ ऐसी लोकेशन पर, इस जगह का नाम है डांगरी, तो बडून, सॉरी डांगरी नहीं बडून। तो करीब ही थोड़ी ही दूर में डांगरी भी आ रही है, तो हो सकता है अगर तो मैं आपको डांगरी का व्यू भी करवाऊंगा। यहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट जेल है जो डांगरी नाम से मशहूर जानी जाती है। तो दुआ यही है कि हम में से मैं या मेरे व्यूअर में से कोई भी इस जेल की तरफ ना आए, दुआ यही करो कि इस जेल से अल्लाह हम सबको बचाए। तो अब आगे चलते हैं, आगे का भी आपको कुछ व्यू करवाता हूँ मैं। तो बस दोस्तों हम पहुँच चुके हैं कुछ ऐसी लोकेशन पर और ये है दरिया जमोला का, और हमने इधर से आगे टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न लेनी है। तो ये रास्ता जा रहा है जमोला की तरफ, अभी मुझे बता रहे हैं। तो चलो मैं भी आज पहली बार जा रहा हूँ तो आपको भी दिखा रहा हूँ, ये है चौक जमोला की, इधर से शायद आगे डांगरी का रास्ता जाता है इस साइड में, आप देख सकते हैं यहाँ से राइट डांगरी का रास्ता है। तो हमने इधर से लेफ्ट लिया और हम ये जा रहे हैं इस टाइम जमोला। तो आप सब देख सकते हो कितना ही प्यारा व्यू है उस साइड का, यार बहुत ही औसम लग रही है वो जगह, देख सकते हैं आप कितनी ही प्यारी है। यहाँ पे है प्रोग्राम किसी के घर में, आप देख सकते हैं कितने ही कि हमारे मदरसे के तलबा जा रहे हैं, माशाल्लाह। तो यहाँ पर है प्रोग्राम, जहन्नम की आग को आमिना का लाल तने तनहा सर्द करेगा तो कैसे। मेरे इमाम फरमाते हैं कि मेरे गुलाम अगर इस मसले को समझना है, इस मसले का जवाब चाहिए तो मेरी तुर्बत से सिर्फ एक
शेर लेकर के जाओ, तुम्हारा पूरा मसला हल हो जाएगा। मेरा कलेजा फट रहा था, मैंने अर्ज की, ऐ मेरे इमाम जरा जल्दी बता दीजिए मसला क्या है, वो शेर क्या है, वो क्या चीज है जो कल महशर के मैदान में, जो कल जहन्नुम की आग को ठंडा करेगी। मेरे इमाम की तुर्बत बोल पड़ती है, अल्लाह क्या जहन्नुम, अल्लाह क्या जहन्नुम, अब भी न सर्द हो, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। सुभान अल्लाह। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कुछ लोकेशन पर, वापस आ चुके हैं प्रोग्राम से, आप जा रहे हैं वापस मदरसे में। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इस इलाके का व्यू, क्योंकि जाते हुए थोड़ा टाइम नहीं मिल, जाते हुए थोड़ा टाइम नहीं मिला था, तो चले अब देखते हैं आगे। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं वापस अपने मदरसे में। तो गए हुए थे प्रोग्राम भिंडी जमोला, एरिया भी बहुत अच्छा था, प्रोग्राम भी हमारा बहुत ही अच्छा गुजरा। तो अब मैं ये वीडियो अपने यहाँ पर ही एंड करूँगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगा। तो तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। लेकिन याद रखना, वीडियो को ज़रूर जाते जाते अगर वीडियो अच्छी लगी, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। आपके एक शेयर से ही मेरी हौसला अफजाई होती है, और आपके एक लाइक से मुझे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो उसके बाद मैं फिर नई वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है उतना लाइक कमेंट और वीडियो को शेयर करो, जल्दी से जल्दी मेरे एक के कम्प्लीट करवा दो। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ अभी तक मेरे साथ इतना प्यार कर रहे हो और मुझे इतना प्यार दे रहे हो। तब तक आज की इतनी वीडियो बहुत हो गई है, तो तब तक के लिए शुक्रिया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो अच्छी सी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।